Welcome back to Swayam Education. So today I'm going to discuss about some of the concept of pipe and cistern. So it is a very similar concept time and work. So time and work हम previous video में already discuss कर चुके हैं. So if ही अगर आप नहीं देखे हो तो हमारा Swayam Education YouTube channel जाके वहाँ पर आप देख सकते हो, already वहाँ पर available है. Okay. So today I'm going to discuss about pipe and cistern. Okay. The same concept. टाइम एंड वर्क में एक कॉन्सेप्ट था कि जब सपोज ए इज वर्किंग 10 डेज में, बी इज वर्किंग एक काम 20 डेज में, ठीक है, तो 10 दिन में ए काम कर रहा है, 20 दिन में बी काम कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं, दैट इज 20. तो 20 ये दिस 20 इज नथिंग बट द टोटल वर्क. ओके, सो टोटल वर्क इज नथिंग बट दिस 20 इज नथिंग बट टोटल वर्क. सो सिमिलर कॉन्सेप्ट, अगर सपोज एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है, वो क्या कर रहा है, एक टैंकी को फिल कर रहा है, 10 आवर्स ले रहा है. सपोज बी एक और एक टैंकी है, वो क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, 20 आवर्स ले रहा है. ओके, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट, तो इसका एलसीएम जो होगा, इसका एलसीएम कितना होगा ना, 20. तो दिस 20 इज नथिंग बट योर टैंक कैपेसिटी, टैंक कैपेसिटी, ठीक है. तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे टाइम और का, हम टोटल वर्क, ये जो एलसीएम हुआ ये था तुम्हारा टोटल वर्क ले रहे थे, ठीक है, उसको लेके सॉल्व कर रहे थे. प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये जो 20 है तुम्हारा पाइप एंड सिस्टर में, ये टैंक कैपेसिटी हो गया. ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे, सपोज ए फील कर रहा है, बी फील कर रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन सपोज ले रहे हो, जो पाइप जो फिल करता है टैंकी उसको पॉजिटिव साइन दो, जो पाइप जो एम्प्टी करा है टैंकी को, ठीक है, उसको नेगेटिव साइन दो. तो ए क्या फिल कर रहा है 10 घंटे में, तो ये 20 लीटर, सपोज दिस 20 लीटर, लीटर हो गया सपोज यूनिट, 20 लीटर इज नथिंग बट टैंक कैपेसिटी. तो ए 10 घंटा ले रहा है 20 लीटर टैंक कैपेसिटी को फिल करने के लिए, तो एक घंटे में कितना होगा ना, 1 आवर में कितना करेगा, 20 / 10 2 लीटर. सिमिलरली बी 20 आवर ले रहा है 20 लीटर फिल करने के लिए. ओके, सो 1 आवर में कितना लेगा, तो 1 आवर कितना करेगा, 20 / 20 दैट इज 1 लीटर. सो पॉजिटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन, बिकॉज दिस पॉजिटिव साइन इज गिवेन फॉर, बिकॉज द बोथ पाइप्स आर फिलिंग द टैंकी, ठीक है, तो दोनों पाइप क्या करें, फिल करें टैंक को, इसलिए पॉजिटिव साइन है. जो सपोज बी अगर एम्प्टी कर रहा है तो ये नेगेटिव साइन होता है, जो पाइप एम्प्टी करता होगा उसको नेगेटिव साइन देंगे, ठीक है. तो ये दोनों क्या हो गया, दैट इज अ प्लस 3 लीटर, दैट इज 1 आवर में, तो 1 आवर में 3 लीटर फिल कर रहा है. ओके, तो 20 लीटर में कितना टाइम लग गया, तो 1 लीटर कितना होगा, दैट इज 1/3, एंड 20 लीटर के लिए तुम्हारा 20/3. ओके, तो इतना आवर लगेगा, 20/3. सो लाइक दिस वे यू कैन सॉल्व. ओके, तो वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट, सो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट यू विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जनरली केम इन द बैंकिंग क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स सी. तो पहला पार्ट, सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज पहला पार्ट हो गया तुम्हारा, सपोज एक एक टैंकी है वो फिल कर रहा है 10 आवर्स में. ओके, तो बी है वो फिल कर रहा है, ये तो क्या फिल कर रहा है, तो बी क्या कर रहा है, 20 आवर्स ले रहा है तुम्हारा एम्प्टी करने के लिए, ये फिल हो गया, ये एम्प्टी हो गया. ओके, सो ये पॉजिटिव साइन हो गया, ये नेगेटिव साइन हो गया. ओके, तो नेगेटिव साइन क्यों दे रहे हैं, बिकॉज बी इज एम्प्टिंग द टैंक. ओके, तो बी क्या करे, एम्प्टी कर रहा है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, दैट इज 20. तो 20 इज नथिंग बट दिस 20 लीटर, सपोज 20 लीटर ये हो गया तुम्हारा टैंक कैपेसिटी, सो दिस 20 लीटर इज नथिंग बट टैंक कैपेसिटी. ओके, तो ए एक घंटे में कितना करेगा ना, 1 आवर में कितना फिल करेगा, दैट इज 20/10, दैट इज 2 लीटर. सिमिलरली बी 1 आवर में कितना एम्प्टी करेगा ना, 1 लीटर. ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, बिकॉज ए इज फिलिंग द टैंक, तो बी क्या करे, एम्प्टी करे, तो ये नेगेटिव हो गया. ओके, तो यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे -1 लीटर है 1 लीटर में. तो ये दोनों अगर दोनों एक साथ ओपन होंगे साइमल्टेनियसली,
ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा फिल और एम्प्टी करने के लिए टैंक, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना होगा तुम्हारा, ए 1 आवर में कितना होगा, दैट इज प्लस 2 माइनस 1, दैट इज 1 लीटर। तो 1 घंटे में 1 लीटर, तो 20 लीटर कितना लगा, 20 आवर। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है कि प्लस एंड माइनस किसको लेना है, जो जो पाइप फील करता होगा टैंक की, टैंक को जो फील करता है उसको पॉजिटिव लेंगे, उसके लिए पॉजिटिव, एंड जो टैंक सॉरी जो पाइप वो एम्प्टी करता होगा फिर टैंक को, उसको नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। एंड दिस एलसीएम इज नथिंग बट योर टैंक कैपेसिटी। ओके, सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन यू माइट गेट इन द बैंकिंग क्वेश्चन। ओके, देन अनदर आगे, सपोज थ्री पाइप है, सपोज ए है तुम्हारा, फील कर रहा है टैंक को प्लस 10 आवर में, बी फील कर रहा है प्लस 20 आवर में, सी क्या कर रहा है तुम्हारे एम्प्टी कर रहा है सपोज 30 आवर में। ओके, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दैट इज 60। तो 60 इज नथिंग बट 60 लीटर इज नथिंग बट टैंक कैपेसिटी। तो टैंक कैपेसिटी हो गया तुम्हारा 60 लीटर। ओके, तो ए 1 घंटे में कितना करेगा, दैट 60 डिवाइड बाय 10, दैट इज प्लस 6। प्लस क्यों दिया, बिकॉज ए इज फिलिंग द टैंक। तो बी कितना 1 घंटे में कितना करेगा, दैट 60 डिवाइड बाय 20, दैट इज 3, प्लस 3, तो ये 6 लीटर, ये 3 लीटर। ओके, तो ये 1 घंटा, सी क्या करेगा, कितना लीटर एम्प्टी करेगा, दैट इज 60 डिवाइड बाय 30, दैट इज -2 लीटर। ओके, अगर तीनों, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा ओपन तुम्हारा टैंक टैंक फिल और एम्प्टी होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों को मिला हुआ देखो, 6 प्लस 3 दैट इज 9 माइनस 2 दैट इज 7, दैट मीन्स 1 आवर में दैट इज प्लस 7 लीटर। प्लस क्यों दे रहे, दैट मीन्स जो हो रहा है तीनों पाइप जो साइमल्टेनियसली ओपन हो रहे हैं, दैट मीन्स दे आर फिलिंग द टैंक। ओके, दैट्स वाई इट्स प्लस साइन। ओके, दैट मीन्स 60 लीटर कितना होगा, दैट मीन्स तो 1 लीटर कितना होगा, दैट इज 1 बाय 7 आवर। 20 लीटर कितना होगा, सॉरी 60 लीटर कितना होगा, 60 डिवाइडेड बाय 7 लीटर। तो दिस इज आंसर। ओके, सो लाइक दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ, इफ ऑल द इफ देर आर थ्री पाइप्स आर देयर एंड टू ऑफ देम दे आर फिलिंग द टैंक एंड वन ऑफ द पाइप इज एम्प्टिंग द टैंक, like this way you can solve this। okay, so just take care one thing, just देखना है कि कौन सा पाइप फिल करता है टैंक को और कौन सा पाइप एम्प्टी करता है टैंक को, ठीक है। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, देन और एक कंसेप्ट है, सपोज और एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। सपोज ए दिया है 10 प्लस 10 आवर, ए दिया हुआ है सपोज +10 आवर फील करता है, ठीक है। बी दिया है तुम्हारा -20 आवर, वो क्या है एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट देखो कैसे निकालोगे, ये 20 लीटर हो गया तुम्हारा एलसीएम कितना हुआ है 20 लीटर, ये हो गया तुम्हारा टैंक कैपेसिटी। ओके, तो ए 1 घंटे में कितना करे, 20 डिवाइड बाय 10, दैट इज 2 लीटर। ए 1 घंटे में कितना करेगा, 20 डिवाइड 20, दैट इज 1 लीटर, सॉरी दिस इज +2, दिस इज -1 लीटर। ओके, तो टोटल 1 घंटे में कितना करेगा, 1 आवर में 2 माइनस 1, दैट इज 1 लीटर। तो 20 लीटर कितना होगा, 20 आवर। तो दिस इज आंसर। तो इसका शॉर्टकट क्या, ये तो जनरल प्रोसेस हो गया, तो इसका शॉर्टकट क्या है ना, अगर ए पाइप फिल करता है तो दूसरा पाइप अगर एम्प्टी कर रहा है, ठीक है, तो इन दोनों का शॉर्टकट क्या है ना, शॉर्टकट है तुम्हारा ए क्या है, कितना ले रहा है ना, 10 × 20 / 20 - 10, 20 - 10 दैट इज 10, दैट्स 10 × 20 / 10, तो 10 कटा, दैट इज 20 आवर। ओके, सो जस्ट देखना है कि ए इंटू बी डिवाइड बाई बी माइनस ए,
तो यहाँ पे दिखना है कि कौन सा पाइप तुम्हारा एम्प्टी करा है, ठीक है। तो ए इज़ एम्प्टी, सॉरी ए इज़ फिलिंग द टैंक। तो ए कितना टाइम ले रहा है, 10 घंटा, दैट इज 10। तो बी कितना टाइम ले रहा है, दैट इज 20। ओके, तो बी माइनस ए, तो बी कितना है, 20 ले रहा है, दैट इज बी 20 आवर, तो माइनस 10 आवर। तो ये एक शॉर्टकट है, ये एक फॉर्मूला है डायरेक्ट निकालने के लिए। ओके, सो लाइक दिस वे यू कैन यूज दिस फार्मूला टू गेट द राइट आंसर। ओके, सो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, अगर टाइम बचाना है तो इसको यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तुम्हारा है, सपोज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, सपोज ए इज 10 आवर, बी इज प्लस 10 आवर, बी इज माइनस 20 आवर। ओके, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। सर सपोज ये दोनों पॉजिटिव दिया हुआ है, दोनों पाइप फिल कर रहे हैं टैंक को। ओके, तो दोनों टैंक क्या किए ना, 10 मिनट के इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, इन दोनों का कितना होगा, 20 डिवाइड 20 लीटर। तो 20 लीटर इज क्या हो गया, तुम्हारा टैंक कैपेसिटी। ओके, तो टैंक कैपेसिटी हो गया। तो 1 घंटे में ये कितना करेगा, 1 आवर में, तो 1 आवर में दैट इज 2 लीटर। तो ये कितना करेगा, 1 आवर में 1 लीटर। तो ये टोटल कितना 1 आवर में करेंगे, 3 लीटर। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है सपोज ये क्या किए ना, 10 घंटे के लिए काम, सॉरी तुम्हारा 8, सपोज 5 घंटे के लिए किए। ओके, सपोज 5 घंटे के लिए ए प्लस बी क्या किए, 5 घंटे के लिए ओपन हुए, 5 आवर्स के लिए, 5 आवर्स के लिए। तो 5 आवर्स के लिए इन दोनों कितना है ना, ये 1 आवर कितना कर रहा है ना, 2 लीटर फिल कर रहा है, 1 आवर कितना कर रहा है, 1 लीटर। तो ये दोनों 1 लीटर कितना करेंगे ना, 2 + 1 दैट इज 3 लीटर। ओके, बट कितना टैंक का कैपेसिटी कितना है ना, टैंक कितना पानी रख सकता है, 20 लीटर। तो दोनों पाइप क्या किए, 5 घंटे के लिए ओपन हुए। तो 5 घंटे में कितना करेंगे, दैट इज 5 × 3 दैट इज 15 लीटर। ओके, तो 15 लीटर। क्वेश्चन आता है, अगर सपोज ए 5 घंटे के बाद बंद हो जाता है, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा बी को फिल करने के लिए। क्वेश्चन ऐसा आता है, सपोज देयर आर टू पाइप्स एंड दे आर फिलिंग, दे बोथ आर फिलिंग द टैंक एंड दे बोथ आर ओपन साइमल्टेनियसली फॉर 5 आवर्स। दोनों क्या किए, फिल किए 5 आवर्स के लिए। आफ्टर 5 आवर ए क्या किया, बंद हो गया। बी क्या किया, फिल किया, उसको कितना टाइम लग गया, बी को कितना टाइम लग गया, यहाँ पे कितना हुआ ना, 15 लीटर, ठीक है। तो ए प्लस बी ओपन हुए दोनों ने 5 आवर के लिए, दैट इज 15 लीटर। तो टोटल लीटर कितना है, टोटल कितना है ना, 20 लीटर। तो 20 - 5 = 15, तो 20 - 15 दैट इज 5 लीटर। ये 5 लीटर कौन भरेगा ना, 5 लीटर बी भरेगा। ओके, तो बी कितना ना, बी का 1 आवर में 1 लीटर भर रहा है, ठीक है। तो 5 लीटर कितना भरेगा ना, 5 आवर में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा राइट आंसर के बी, तो बी कितना करेगा ना, 5 आवर लगेगा, ये आंसर हो गया। अगर पूछता है कि टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा टू फिल द टैंक, ये 5 आवर + 5 आवर दैट इज 10 आवर। ओके, तो टोटल कितना लिया ना, 10 आवर। अगर बी अकेला करता है देन इट बिकम्स 5 आवर। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो अनदर कॉन्सेप्ट, अनदर टाइप क्या क्वेश्चन आता है, सपोज 3 पाइप दिए हैं, थ्री पाइप्स देखें सपोज। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट देखो, सिमिलर कैसा क्वेश्चन आता है, 10 आवर्स दिया है, प्लस 10 आवर्स ये फील कर रहा है। बी दिया है सपोज 20 दिया है, 20 आवर्स। सी भी लो प्लस दिया हुआ है, 30 आवर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो तीनों दिया है, तो तीनों पाइप क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। ओके, तो वो पूछता है, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन बोला है कि ऑल्टरनेटिवली ओपन है, एक ए क्या है ना, ओपन ऑल द टाइम्स। ओके,
तो ए क्या किया है, ओपन ऑल द टाइम, ए ओपन ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, ऑल टाइम, ठीक है, ए ओपन हुआ है ऑल टाइम। एंड बी एंड सी वो क्या किए हैं ना, ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली, इसका मीनिंग क्या है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है, सपोज एक पाइप है वो ओपन हुआ है और पूरा थ्रू आउट पूरा फिल होने तक टैंक वो ओपन हुआ है, बी एंड सी ऑल्टरनेटिवली ओपन हुए हैं। ऑल्टरनेटिव मीनिंग दैट मीन्स पहला ए हुआ है, ए तो ओपन होगा हर टाइम में, ठीक है, ऑल्टरनेटिव, उसके साथ बी होगा नेक्स्ट आवर में, तुम्हारा ए तो फिल हो करेगा, ए तो इज कंपल्सरी, तो सी होगा, फिर से ए, फिर से बी, फिर से ए सी, तो ऐसे चलेगा जब तक फिल नहीं होगा। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला एलसीएम लोगे, सपोज इन दोनों का एलसीएम है 60 लीटर। ओके, सिमिलरली तो ये 1 आवर कितना करेंगे, दैट इज़ प्लस 6 लीटर, तो ये कितना होगा 1 आवर प्लस 3 लीटर, ये कितना होगा 1 आवर प्लस 2 लीटर। ओके, तो ये 1 आवर टोटल हो गया, 6 3 प्लस 9 दैट इज 11 लीटर। ओके, तो ये तीनों का हो गया, तो क्वेश्चन पूछा ऑल्टरनेटिवली, तो कितना टाइम लगेगा ऑल्टरनेटिवली, तो ऑल्टरनेटिवली कितना टाइम लगेगा, दैट इज ए बी, तो ए बी, ए पहले किए कितना कर रहे हैं, ए 1 आवर में 6, बी कितना कर रहा है 3, ठीक है 1 आवर में, देन ए सी, ए कितना कर रहा है 6, सी कितना है ना 2, सिमिलरली ए बी ए सी, तो ए कितना 6 3 6 2। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है, देखा कि दे ये 1 आवर में 9 कर रहे हैं, ये दोनों 1 आवर में 8 कर रहे हैं, फिर से 9 8, फिर से 9 8, ऐसा चलेगा, ठीक है, दैट मीन्स ये 2 आवर में, ये 1 आवर हो गया, दिस इज 1 आवर, दिस इज 1 आवर, ठीक है, दैट मीन्स 2 आवर में कितना करें टोटल, 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 दैट इज 17, तो 17 कर रहे हैं तुम्हारा, 17 कर रहे हैं तुम्हारा 2 घंटा में, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, दैट इज 2 आवर ले रहे हैं 17 लीटर, तो 2 घंटे में क्या करें 17 लीटर करें, बट हमारा कैपेसिटी कितना है 60 लीटर, ठीक है, तो 60 लीटर कैसे करेंगे, तो कितना टाइम लगेगा, दैट इज यहाँ पे देखो, यहाँ पे 17 × 3 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है, दैट इज 2 सॉरी 1, दैट 2 दैट 51, तो 51 लीटर हो गए, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करूँगा, दैट इज 2 × 3, ओके दैट इज 6, ये 6 हो गया, ठीक है 6 आवर, तब कितना बचा 60 टोटल, बचा कितना 51 चला गया, फिल हो गया, बचा कितना ना 9, तो 9 कौन, 9 की कौन भरेगा, 9 कौन कौन भरेगा, जो स्टार्ट किए थे, कौन स्टार्ट किए थे तुम्हारा ए बी, ओके ए बी 1 घंटे में कितना कर रहे हैं, यहाँ पे 6 प्लस 3 दैट इज 9, ओके तो यहाँ पे हमारा 60 51, तो 9 लीटर अभी है, ये 9 लीटर कौन भरेगा, जो स्टार्ट किए थे, कौन स्टार्ट किए थे ना ए बी, ना ए बी 1 घंटे में कितना कर रहे, ए कर रहा है 1 घंटे में 6 लीटर, बी कर रहा है 1 घंटे में 3 लीटर, तो दोनों कितना हो गया 6 प्लस 3 दैट इज 9 लीटर, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना कर रहे हैं ना 9 लीटर, ठीक है, तो 9 लीटर वो कितना करेंगे, वो एक एक ही घंटा, तो यहाँ पे 6 आवर, यहाँ पे 6 आवर ऑलरेडी है, तो कितना हो गया 6 आवर प्लस यहाँ पे 1 आवर दैट इज 1 आवर, दैट इज 7 आवर इज द राइट आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा किसके बाद आएगा। ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू माइट गेट इन द एसएससी बैंकिंग क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज फॉर टूडेज क्लास, सो इफ यू लाइक आवर वीडियो जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और शेयर विथ फ्रेंड्स एंड लाइक आवर चैनल। ओके।